हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल पे। दोस्तों मैं हूं हर्ष धवन, आपका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों अगर आप मीट का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीट को कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट करूं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि उन देशों के बारे में जहाँ पे आपको मीट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ से आपको अच्छी डिमांड भी मिलेगी और मार्जिन्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं और भी आपको चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मीट तो कर ही रहे हैं और भी कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सपोज़ कीजिए मीट कर रहे हैं तो इन प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट करेंगे साथ के साथ उन्हीं देशों में। ये क्यों बता रहा हूँ, देखो यार, अगर मुझे एक कंट्री को टारगेट करना ही है, मेरा पहला मुद्दा क्या है, पैसे कमाना। अगर मीट का ऑर्डर आ गया ठीक है, नहीं आया तो मुझे पता है उस देश की क्या डिमांड है। कोई बायर मिला, मैं उससे बोलता हूँ, सपोज़ करो उस वो बायर मुझे कहता नहीं यार मेरा रेट आपके साथ तय नहीं हो रहा। अब आप कहो ठीक है सर और कोई रिक्वायरमेंट है, अगर वो बायर आपसे बोले जी मेरे को चावल भेज सकते हो तो आप चावल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। हिंदुस्तान में चावल भी तो मिलता है ना। मुद्दा क्या है, पैसा कमाना है। तो अगर मैं स्टेप उठा ही रहा हूँ तो क्यों ना मल्टीपल तरीके से उठाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ कौन कौन से देशों में मीट एक्सपोर्ट करना है। दोस्तों चलिए बात करते हैं, अगर आपको मीट वॉल्यूम में काम करना है यानी ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है तो एक कंट्री है गैम्बिया। गैम्बिया में ये वॉल्यूम में ऑर्डर मिलेगा, अच्छी क्वांटिटी में ऑर्डर मिलेगा। तो जो लोग कम क्वांटिटी में करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है गैम्बिया को टारगेट मत करिए। और गैम्बिया में अगर आप ये मीट एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप कॉटन भी एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ के बायर वो भी ले लेंगे, कॉटन भी वो इम्पोर्ट कराते हैं। रबर टाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। प्लाईवुड एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी भी रिक्वायरमेंट गैम्बिया में रहती है। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी एक बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन इसमें आपको सर्टिफिकेशंस का ध्यान रखना है। अच्छी क्वालिटी का मीट एक्सपोर्ट करिए और अच्छे खासे पैसे कमाइए। मीट के अलावा आप चाहें तो फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहें तो सैडलरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीशेल्स की। दोस्तों सीशेल्स में भी बहुत अच्छी डिमांड है मीट की। हाँ, ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं लगेगा। मीट के साथ साथ आप एनिमल फूड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं हेयर प्रोडक्ट्स की, हेयर एक्सटेंशंस की, तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की बात करूं तो वुडन ऑर्नामेंट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीट तो जा ही रहा है, नेपाल में भी आप वॉल्यूम में काम कर सकते हैं, प्रॉफिट थोड़ा कम लेके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्वालिटी जितनी अच्छी मार्जिन उतने ज़्यादा, क्वालिटी कम तो मार्जिन भी कम। इसके अलावा मीट के अलावा आप पास्ता भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रबर के फुटवेयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स एक बहुत अच्छा देश है जहाँ पे आप मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे फुटवेयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मसाले यानी स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाय की बात करूँ तो चाय भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं बहरीन की। बहरीन में आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मार्जिन आपको बहरीन में अच्छे मिल जाएंगे और साथ के साथ आप चीज़ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टोमेटोज की यानी टमाटर की, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर कॉफ़ी और चाय, ये दोनों प्रोडक्ट हैं जो बहरीन में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। दोस्तों सऊदी अरेबिया में मीट तो एक्सपोर्ट करिए करिए, देखिए ज़्यादा मार्जिन नहीं है लेकिन हाँ एक अच्छा मार्जिन है, लिमिटेड मार्जिन है, वॉल्यूम में यहाँ पे भी काम होगा। सोयाबीन साथ के साथ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ भी सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं ओमान की। ओमान में भी आपको बहुत अच्छी डिमांड मिलेगी, मीट के साथ साथ टॉयलेट पेपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केले यानी बनानास एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कॉफ़ी की भी वहाँ बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कतर की। अब कतर की अगर मैं बात करूं तो यार फिर वही बात कि हाँ भैया वॉल्यूम में अच्छा खासा ऑर्डर मिलेगा, यानी कंटेनर के कंटेनर
भर के माल जाएगा। तो इसके अलावा आप कार्डमम्स यानी इलायची में भी डील कर सकते हैं, इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट और लेदर फुटवेयर की अच्छी खासी डिमांड है, अच्छा बाजार है, तो वहां पे लेदर फुटवेयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेलन्स की बात करूं तो ये भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं यूएई। देखिए दोस्तों, यूएई में भी आपको वॉल्यूम में काम करना पड़ेगा। यूएई की खास बात क्या है, हमारी तरह वहां पे भी फूड का कंजप्शन ज्यादा होता है, लोग फूडी बहुत हैं, तो थोड़ा कंपटीशन आपको जरूर फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यानी यहाँ एक यूएई भी आपका सबसे अच्छा मार्केट है, जहां पे आप मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चावल का सबसे बड़ा मार्केट है, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनियंस का सबसे बड़ा मार्केट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मसालों स्पाइसेस का सबसे अच्छा मार्केट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वीट भी एक्सपोर्ट करना चाहे, गेहूं का आटा भी एक्सपोर्ट करना चाहे, मैदा भी एक्सपोर्ट करना चाहे, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया मार्केट है, जो अच्छे वॉल्यूम में यानी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे, बड़े ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो दोस्तों, ये वो देश थे जहाँ पे आप मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मीट का काम करना चाहते हैं, तो ये काम आपको अच्छा खासा मिलेगा। बस ध्यान में रखिए, वॉल्यूम में काम करना है तो वॉल्यूम में करिए, कम क्वांटिटी में करना है तो कम क्वांटिटी में कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन है, घबराहट है, कोई भी नर्वसनेस है, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, नहीं तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल, में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपको इमीडिएट आंसर मिल जाएंगे। क्या है, इतने सारे वीडियो है, कोई कमेंट करता है तो कई बार कोई क्वेश्चन छूट जाता है। तो दोस्तों, ये है मीट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं, तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करिए। अगर आप नहीं करना चाहते, कोई और काम करना चाहता है तो वो तो करेगा यार, अगर आप शेयर करेंगे तो नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा और आप हमसे क्या चाहते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। With the